అంతర్జాతీయ బాలల చిత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ మనం ఐమాక్స్ లో 5వ రోజు ఉన్నాము. ఇక్కడ పిల్లలు చాలా కోలాహలంగా సినిమాలు చూస్తున్నారు. ఎంతో ఉత్సాహంగా వాళ్ళు ఒక్కొక్క సినిమా చూసి దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం అదంతా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తుందని నాకు అనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు మనం పిన్ వీల్ అనే ఒక మరాఠీ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడుతున్నాము. హాయ్ సార్, వాట్ మేడ్ యు టు మేక్ దిస్ మూవీ? एक अच्छी स्टोरी थी, इसीलिए मैंने हम दोनों ने ये बनाई. मेरा ऐसा मानना है कि कुछ सिखाने से फिल्म मीडिया इट्स वेरी पावरफुल मीडिया. जो हम शायद 4 किताबों में नहीं सिखा सके वो हम 2 घंटे में लोगों को, बच्चों को सिखा सकते हैं. और हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि वो सिखाने से, किसी को देशभक्ति या शहादत सिखाने से समझ में नहीं आती, लेकिन शायद दिखाने से समझ में आएगी, इसलिए ये फिल्म बनाई है. इट्स अ वेरी नाइस मूवी, अ वेरी प्रिटी इमोशन विथ हर फादर एंड अ स्मॉल किड. और एक स्टोरी है जो लड़की बोल नहीं सकती, लेकिन वो सबको जो उसे कहना है वो दिखा सकती है, वो लिख सकती है. ये हमारा सब्जेक्ट है फिल्म का. सो हाउ डिड यू सेलेक्ट द कास्ट? मिस्टर विक्रम गोखले, जो जिसने ग्रैंडफादर का रोल किया है, इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी एज एन एक्टर इन मराठी मूवीज. और बाकी तो हमारे यहाँ के सब थिएटर पर्सन लिए हैं, जो लिए हैं, जो एक्ट अच्छा करे, भले वो पॉपुलर ना हो लेकिन वो एक्ट अच्छा करे. और मुझे बहुत नोन फेस हम लोग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कैरेक्टर में मोल्ड होना चाहिए, इसलिए. सो आर यू एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड इन दिस फिल्म फेस्टिवल? एक्चुअली जो आज ऑडियंस के साथ अवार्ड मिला है वही इतना बड़ा है. सब बच्चों ने जिस तरह से फिल्म को उछाल उछाल के तालियां दी है, जो हम दोनों का जो मोटिव था कि स्कूल के बच्चों को एक देश के प्रति इसी उनके आयु में एक अभिमान होना चाहिए, उनकी एक लगाव होनी चाहिए. और ये मैसेज शायद हम दोनों ने इस फिल्म के ज़रिए अभी लोगों को दिया है. और जो बच्चों के साथ बैठ के उन्होंने जो तालियों की गूंज सुनाई दी, मेरे ख्याल से वो अवार्ड हमारे लिए बहुत ही अच्छा है. बाकी जो कंपटीशन है वो जूरी देखेंगे. okay. लेकिन हमारे लिए ये अवार्ड, वी आर सेटिस्फाइड. हैव यू टेकन दिस मूवी टू एनी अदर फेस्टिवल्स? या अभी वो इफ़ी में अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हुआ है, इंडियन पैनोरमा में. और बाकी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में भी है, शायद कुछ बाहर के देशों में भी ये हम भेजेंगे. सो व्हाट इज व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग प्रोजेक्ट, अभी एक दो प्रोजेक्ट्स हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के बारे में नहीं है. दो तीन सोशल इश्यूज है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पे स्क्रिप्टिंग का काम हमारा चल रहा है. और शायद आगे के 6 महीने इसी फिल्म का, बाकी फेस्टिवल्स और कमर्शियल रिलीज, इसके काम में हम दोनों अभी काम कर रहे हैं. सो आर यू प्लानिंग टू, आर यू थिंकिंग दैट दिस फेस्टिवल एंड दिस मूवी, दिस फेस्टिवल विल ब्रिंग ग्रेट चेंज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल? एक मूवी से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये शुरुआत ज़रूर होगी ऐसा मुझे लगता है. किसी एक मूवी से कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन हमने हमारी तरफ से ये कोशिश की है, और थोड़ा कुछ फ़र्क पड़े तो भी ये सक्सेस है ऐसा मैं मानता हूँ.